सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। मुझे पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हमारे कुछ साथियों के साथ बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा भी आ रहा है और मुझे अफसोस भी हो रहा है कि हमारे कुछ साथी केवल और केवल अपने पॉपुलैरिटी के लिए, अपने अहंकार के लिए या कुछ पैसे बनाने के लिए पेशेंट के ऊपर कितने कितने गलत तरीके यूज़ कर रहे हैं। लास्ट वीक मेरे को एक मेरी थेरेपिस्ट साथी का मैसेज आया कि सर देखो, ये मैंने जो पिन लगाई है ठीक जगह पे लगाई है, तो आपकी वीडियो देखकर लगाई है। अब जिस थेरेपिस्ट को यही नहीं पता कि पिन क्या होता है, एक्यूपंचर क्या होता है और ड्राई नीडलिंग क्या होती है, वो किसी पेशेंट का क्या इलाज करेंगे, कहीं से सीखा नहीं है। खाली यूट्यूब देखी, यूट्यूब पे वो वीडियो देखी और नीडल ले ली, नीडल को पिन बोल रहे हैं कि पिन लगा दी मैंने। तो मैंने उनसे मैसेज किया कि भाई कहाँ से सीखी, कहीं से नहीं सीखी, यूट्यूब पे एक वीडियो थी उसको देख के मैंने लगा दी। भाई ऐसे काम मत करो, जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है एक्यूपंचर की और ड्राई नीडलिंग की, एक्यूपंचर कहाँ पे होता है, ड्राई नीडलिंग के पॉइंट्स कौन से हैं, आपने कोई भी एक्यूपंचर नीडल किसी अपने पेशेंट को नहीं लगानी है। मान लीजिए एक एमडी डॉक्टर जो सर्जन है वो सर्जरी कर रहा है और अपनी वीडियो डाल रहा है कि मैंने इनका ट्यूमर निकाला, तो कल को आप उनकी वीडियो देखकर किसी कोई और पेशेंट हो उसके ऊपर सर्जरी करने लग जाओगे आप। या जितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो किसी सर्जरी करने लग जाते हैं अपने आप, जब तक वो सर्जन नहीं बनते वो सर्जरी नहीं करते, तब भी वो पहले ट्रेनिंग लेते हैं, जो अपना उनका सीनियर होता है उसके साथ खड़े रहते हैं कितने कितने घंटे, कितने कितने दिन, कितने कितने महीने, तब जाके उनको सर्जरी करने की इजाज़त मिलती है। कल भी मेरे पास एक पेशेंट आए थे गुड़गांव से, उनका फ्रोजन शोल्डर था, तो मैंने जैसे उनको ट्रीटमेंट किया, उनको एक्यूपंचर पिन लगाई, एक्यूपंचर सॉरी मैं भी पिन बोल गया, एक्यूपंचर नीडल लगाई, क्योंकि मैं पिन शब्द इतनी बार सुन चुका हूँ अपने जो हमारे साथी हैं उनसे, तो एक्यूपंचर मैंने जब नीडल लगाई तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे ने भी मेरे साथ ये किया था, मैं ठीक नहीं हुआ। अगर आपका बेटा करता क्या है, उसको नॉलेज है इसके बारे, कहते कोई नॉलेज नहीं, बस यूट्यूब पे देखकर उन्होंने ये एक्यूपंचर नहीं बोला, पिन लगा दी मेरे को, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। अब मैं भाई इन सभी साथियों से ये बोलना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, ये सब ड्रामेबाजियाँ बंद कर दो आप करनी, ठीक है, ये बंद कर दो, ये बहुत गलत बात है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जिसने वीडियो डाल रखी है वो तो उसने ये थोड़ी डाली है कि आपने एज ए पिन लगा, आप ये एक्यूपंचर करोगे यहाँ पे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो ट्रेंड है वही तो सीखेंगे ना उनसे, उनके लिए है ये। अगर कोई पीएचडी का व्यक्ति अपनी कुछ अपने अनुभव डालता है तब ये थोड़ी आप भी पीएचडी बन गए, आप उसकी वो वीडियो देख के वैसे करने लग जाओगे। तो ये चीज़ें बंद कीजिए, आप प्रॉपर सीखिए, एक्यूपंचर सीखिए, ड्राई नीडलिंग सीखिए,
मलम थेरेपी के भी पॉइंट ऐसे नहीं लगाने हैं, प्रॉपर सीखने के बाद लगाने हैं। मलम पॉइंट कई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हमें हार्म करते हैं, उसका नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो भी ऐसे नहीं हमने करना। और भी हमारी कई थेरेपीज ऐसी हैं जैसे कि हम मशीन यूज़ करते हैं, टेंस मशीन, उनको कितना लगाना है, कितनी देर लगाना है, कितनी उसकी वो पावर पे लगाना है, ये सब चीज़ें देखकर तभी हमने लगाने हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी मशीन आई आप उठ के लगा दी, वो किसी भी स्ट्रेंथ के ऊपर लगा दी, किसी भी उसकी वेलोसिटी के ऊपर लगा दी, ऐसा नहीं करना है। तो आगे से आप सभी साथी ये बिल्कुल ध्यान रखें, बिना प्रॉपर सीखे हुए और बिना प्रिकॉशंस लिए हुए आपने कोई भी ये थेरेपीज नहीं करनी। एक्यूप्रेशर तो आप कर सकते हो, सुजो कर सकते हो आप, और जहाँ पे मैग्नेट लगाने होते हैं, कई हमें टीचर्स में जाते हैं कि ये मैग्नेट जो है येलो सीन इधर लगा दो और वाइट सीन वहाँ पे लगा दो, अगर उसको चक्कर आ गए तो आप बदल देना, क्या करना, ये क्या बातें हुई। अगर हम पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी बुझेगी ना, ये थोड़ी ना कि अगर हमने वहाँ पे वो उल्टे लगा दिए तो सीधे कर दो, सीधे लगा दिए उल्टे कर दो, क्यों भाई। अगर कोई चीज़ कोई मैग्नेट उसकी एनर्जी को बढ़ाता है तो बढ़ाएगा, काम कैसे कर देगा। मैंने कईयों से ऐसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा है पर किसी टीचर ने इसका जवाब नहीं दिया, नहीं जी हमें तो ऐसे सिखाया गया, ये क्या बात हुई। आप प्रैक्टिकल थोड़ी कर रहे हो पेशेंट के ऊपर, आपने पेशेंट को ठीक करना है। तो आगे से ये वीडियो उन सभी को भेजना जो ये ऐसे काम करते हैं, आप जो बिना सीखे हुए पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इसीलिए हमारी थेरेपी की बदनामी होती है। हमें कुछ भी हो हम सबसे पहले कहाँ भागते हैं, एलोपैथी में सबसे पहले दवाई खाते हैं, जब वहाँ पर ठीक नहीं होते प्रॉब्लम होती है तब जाकर उनको अल्टरनेट थेरेपी की याद आती है, तब हमारे पास पेशेंट आते हैं जब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा के परेशान हो चुके होते हैं। तो आप सभी साथी इस थेरेपी की बदनामी मत करो, मत करो, मत करो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।